अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट हबीब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को क्लिक करें। 1992 से 2008 तक 16 साल क्रिकेट स्टेडियम में अपनी खिदमात देने वाले साबिक अंपायर डैरल हेयर को उस वक्त बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो एक मकामी स्टोर में चोरी करते हुए पकड़े गए। अदालत में उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया और स्टोर के मालिक को 9000 ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स भी वापस कर दिए। याद रहे कि ये वही अंपायर हैं जिन्होंने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से उस वक्त के कप्तान इंजमामुल हक अपनी टीम को ग्राउंड से बाहर ले गए थे। साबिक अंपायर को नस्ली इम्तियाजी सलूक करने पर ICC टेस्ट पैनल से मुअत्तल कर दिया गया था।